Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. और इस तरह हम उस जंगल तक जा पहुंचे और तुम आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। जिस ज़ॉम्बी को तुम ढूंढने निकले थे वो तुम्हें मिल ही गया। हाँ, लेकिन उसे पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई। केंडा को खो देने के बाद हमारी हिम्मत जैसे टूट सी गई थी, लेकिन ज़ॉम्बी को अकेले घूमता हुआ देखकर एक उम्मीद मिली। हम पूरी दुनिया को ज़ॉम्बी दिखाकर खबरदार कर सकते थे। ये दिमाग में आते ही हम जोशो खरोश से आगे बढ़ने लगे। हमें किसी का खौफ महसूस नहीं हो रहा था और आखिरकार हमें अपना मकसद हासिल होने वाला था। हे, मुझे ढूंढ रहे हो? चलो देखते हैं तुम मुझे पकड़ पाते हो या नहीं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। हमें कुछ करना होगा इसको पकड़ने के लिए। अब कहाँ भागोगे? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ, रुक क्यों गए? इस तरह भागो वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। जल्दी करो, वो आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ इस बात पे। जब तक इसे कोई ऑर्डर दे रहा था तो ये हर चीज तबाह कर रहा था, और अब जब इसे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है तो इसे मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। ये हमसे डर के भाग रहा है। यानी मालिक के ऑर्डर्स के बगैर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सही कहा, और अब ये हमारे कब्जे में है, इसलिए हमें इसके साथ अच्छा सलूक करना होगा। अभी तक यही है, जैसे कोई भूखी शार्क अपने शिकार की तलाश में फिर रही हो। अगर वो तीनों साहिल पे आए और ब्लेड ने उन्हें देख लिया तो? अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें फौरन पकड़ लेगा। नो, ऐसा नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि दो तीन बच्चों का ग्रुप इतने घने जंगल में उन्हें कभी दिखाई नहीं दे सकता। कहाँ छुप कर बैठ गए हो सिल्वर? इस दफा नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ नहीं छोड़ूंगा। शैडो कहाँ गया? मैंने उसे उन बच्चों को लाने भेजा था, कहाँ रह गया? उसके लिए बेहतर होगा कि उन्हें साथ लेकर लौटे। मुझसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, पसीने से मेरा बुरा हाल है और बहुत प्यास भी लग रही है। हम अपनी सारी पानी की बॉटल्स कल जंगल में खो चुके हैं, और यहाँ की नदियों का पानी पीने के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है हमें भी कोई घना दरख्त मिल जाए, क्योंकि अफ्रीका में तो कुछ दरख्तों से दूध भी निकलता है। हो सकता है ये दरख्त हमारे काम का हो। क्या बात है, क्या इसको पिया जा सकता है?
मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें जहर भी हो सकता है। मैंने पढ़ लिया, इसमें जहर नहीं है, ये एक मिल्क ट्री है और इसे पीना नुकसानदेह नहीं है। सही कहा, ये तो बिल्कुल दूध जैसा है। अरे! जंगल में ना जाने क्या क्या होता है। ज़ॉम्बी कहाँ गया? हाँ, पकड़ो। तुम्हें उस पे नजर रखनी चाहिए थी। मुझे लगा तुम देख रहे थे। ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। रुक जाओ, तुम लोग बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। ये दलदल है, अगर इसमें गिर गए तो निकलना नामुमकिन होगा। उसकी रस्सी हमारी पहुंच से बहुत दूर है, मुझे खुद ही जाना होगा और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी जोजो। ऐसा कुछ मत करो जिम, अगर तुम दलदल में फंस गए तो तुम्हें निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे बचाना ही होगा जोजो। ये ज़ॉम्बी ब्लेड के खिलाफ हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं इसे दरख्त से बांध देता हूँ ताकि जिम दलदल में न फंस जाए। क्या तुम अपने पेट के बल लेट सकते हो? जिस तरह पानी में तैरते हैं बिल्कुल वैसे ही। नहीं, ये मुश्किल है। जबरदस्त फ्लेंट, तुम्हारा प्रमोशन करना ही पड़ेगा। इस रस्सी को खुद से बांध लो, थोड़ा मजबूती से बांधना। खींचो इसे जोर से, अपनी पूरी ताकत लगा के मॉम के लिए। हाँ, मॉम की जगह के लिए, उनके लिए और अपने मिशन के लिए भी। बस तुम्हें थोड़ा सा और खींचना है, हम पहुंचने वाले हैं। खींचो। शाबाश, बस पहुंच गए। हाँ, हम जीत गए। आज के लिए बहुत हो गया, अब हमें एल्बेट्रॉस के लिए निकलना होगा। साहिल उस तरफ है, चलो दोस्तों चलते हैं। क्या है वहाँ? ये जैगुआर है। इसने हम पर हमला क्यों नहीं किया? शायद उसे भूख ना लगी हो। नहीं, यकीनन इसकी कोई और वजह होगी। आम तौर पे शेर ऐसा नहीं करते, ये जरूर किसी से डर के भाग रहा है। तुम लोगों को याद है ना, अचानक से जंगल में खामोशी हो गई थी। हमें कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, और हम अभी भी नहीं जानते। हमें जैगुआर के पीछे जाना चाहिए, उसे यहाँ से निकलने का रास्ता तो जरूर पता होगा। चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। वो रहा रास्ता, उसे पार करके पहुंच जाएंगे। मगर इस पर तो काई जमी हुई है, कहीं फिसल ना जाए हम लोग। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम सबको यहीं से जाना होगा, और इस ज़ॉम्बी को भी। अगर मैं फिसली तो अच्छा नहीं होगा। हे, तुम जरा सीधे चलो और अपने पाँव देख के रखो। मुझे लगता है इसे हमारी बातें समझ नहीं आ रही। पहले यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि ज़ॉम्बी के साथ क्या करना है। सबसे पहले हमें इस बात का इत्मीनान करना होगा कि शैडो और उसके साथी हमारे पीछे यहाँ तक ना आए। हमें ये रास्ता बंद करना होगा। हे, भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है। वेरी गुड, चलो काम खत्म करें। अब हम इत्मीनान से शिप पर वापस जा सकते हैं।
हाँ, हमें यहीं से आगे जाना है। जाओ इस दलदल के ऊपर लेटो और मेरे लिए ब्रिज बनाओ। खुद को एक जगह रखना और हिलना बिल्कुल नहीं। जल्दी आओ इससे पहले कि तुम लोग भी डूब जाओ। जल्दी करो, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं। इतनी मुश्किल से उस दलदल से बच के निकले थे, यहाँ तो मुझे हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। भागते रहो, समंदर ज्यादा दूर नहीं। तुम सही कह रहे हो जोजो, मुझे सीगल्स नजर आ रही हैं। बस मुझे लिन के पास वापस पहुँचना है जल्दी से। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही हम सब वहाँ पहुँचेंगे मैं फौरन समंदर में कूद जाऊंगा। मैं तो नहीं करूंगी, पता नहीं पानी के नीचे कौन से जानवर होंगे। थोड़ा सबर करो, अभी तुम्हारे शिकार करने का वक्त नहीं आया है मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए अभी और बहुत से काम है। ये कहां से आ गया? गोली मारो इसे फौरन। क्या कर रहे हो? गोली चलाओ, सुना नहीं क्या? मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस जादूगरनी को तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे वो अब मर चुकी है, तो अब तुम्हारे दिमाग में मुझसे छुटकारा पाने के लिए क्या चल रहा है? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। मैं बेवकूफ नहीं, चालाक हूँ और तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। अपनी तारीफ खुद से करना बेवकूफी होती है, ऐसी सोच रखने वाला कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। फिलहाल अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो, जिनका पीछा कर रहे हो वो भाग जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे गुलाम के पास वापस जाओ और उसे आइलैंड जाने का कहो, और उसे ये समझाओ कि वो सिर्फ मेरे मिशन पर ध्यान दे। तो तुम उन लोगों को बचा रहे हो, ये बात जानते हुए भी कि वो तुम्हारे मिशन के लिए खतरा बन सकते हैं। मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो जरूरी है।